हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। लास्ट सेशन वी हैव टॉक अबाउट नाउन्स एंड देयर फोर टाइप्स। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कॉन्क्रीट नाउन एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। And now, in this session, we have talk about remaining three types of noun. Now let's start. Fifth, collective nouns. Collective nouns no matlab thai che samu vachak naam. Samu vachak naam alle ke koi akha group. कोई आखा समूह निर्देश करतु होने समूहवाचक नाम कहवामां आवे छे। एना एक्जाम्पल छे एल्युमनी एटले भूतपूर्व विद्यार्थीओ, फेकल्टी एटले के स्कूल में कॉलेजों में भणावता विद्याशाखाओं में भणावता शिक्षकों, कमिटी एटले के समिति, टीम फूटबॉलनी टीम, क्रिकेटनी टीम, हॉकीनी टीम, स्वयं सेवकोनी टीम। तो जे वस्तु समूहनो निर्देश करे तेने कलेक्टिव नाउन्स कहेवामां आवे छे। हजी वधारे एक्जाम्पल आपणे जोईए तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एटले के आर्मीनुं जे ग्रुप छे एने पण कलेक्टिव नाउनमां समावेश करवामां आवे छे। लोकोनुं टोळुं तो के क्राउड ऑफ पीपल अथवा पीपल नु जे आखू टोळु होय छे एने आपणे क्राउड कहीए छीए। तो आ बधा नाउन्स, आ बधा एक्जाम्पल्स नो समावेश कलेक्टिव नाउन्स मां करवामां आवे छे। नेक्स्ट सिक्स्थ, कम्पाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू सिम्पल नाउन्स टुगेधर। कम्पाउंड नाउन एटले के बे शब्दोनो बनेलो एक शब्द। गुजरातीमां जेम तमे संधि जोड़ो छो ए ज रीते इंग्लिशमां पण संधि जोड़वा ने शब्दोने कम्पाउंड नाउन तरीके ओळखवामां आवे छे। गर्ल प्लस फ्रेंड इज इक्वल टू गर्ल फ्रेंड, ब्रधर प्लस इन प्लस लो तो एनो शब्द बने छे ब्रदर इन लो, ग्रास प्लस ओफर एटले के ग्रास ओफर। तो आ कम्पाउंड नाउन्स ना एक्जाम्पल छे। वधु एक्जाम्पल जोईए तो बटर वत्ता फ्लाय बटरफ्लाय, ब्यूटी वत्ता फूल ब्यूटीफुल एक्सेट्रा। नाउ मूव टू अनदर टाइप्स ऑफ नाउन। सेवंथ, पजेसिव नाउन। पजेसिव मालिकी, अ नाउन देट शोज ओनरशिप एटले के पोतानी मालिकी, पोताना हस्तकनू, और पजेशन, पजेशन एटले कब्जो। फॉर एक्जाम्पल कोई तमने घर वेचे, कोई एक व्यक्ति ने घर वेचवू छे, तमे ई घर खरीदो छो पण ई व्यक्ति त्यां हजी रहे छे तो ई तमने एम कहेशे के हूँ 15 के 20 दिवस में ई घर खाली करीने आपी दईश। तो तमने कब्जो क्यारे मळशे तो के 15 दिवस पछी, तो एने आपणे पजेशन तरीके ओळखशुं। तो ई पोजेसिव नाउन में एनो समावेश करवामां आवे छे। ओनरशिप पोतानी मालिकीनो, माय बुक, माय पेन एक्सेट्रा। तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स वी हैव लर्न इन दीस 2 सेशन। नाउ लेट्स प्रेक्टिस। हवे आपणे थोड़ी आ नाउन सीख्या छीए तो थोड़ूक एने चकासी लईए। फर्स्ट, बॉबी वॉक्ड टू द स्टोर लेट यस्टरडे। वॉट टाइप ऑफ नाउन इज स्टोर? आ प्रश्न एमसीक्यू टाइपनो छे। तमने 3 नीचे ऑप्शन पण आवेला छे
प्रोपर नाउन छे, प्लुरल नाउन छे के कॉमन नाउन छे। बॉबी वॉक्ड टू द स्टोर लेट यस्टरडे, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज स्टोर? तो स्टोर नी नीचे अंडरलाइन करेली छे, तो व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज स्टोर प्रोपर नाउन छे, એટલે કે ચોક્કસ નામ છે, પ્લુરલ એટલે કે બહુવચન નામ છે કે કોમન નાઉન છે? તો ઓબ્વિયસલી એ કોમન નાઉનમાં આવે, કારણ કે સ્ટોર તો કઈ દુકાન, કઈ દુકાનની વાત કરે છે કોઈ અહીંયા ઉલ્લેખ નથી, ગ્રોસરી શોપ નથી, બેકરી શોપ નથી, તો કોઈ ચોક્કસ દુકાનનો ઉલ્લેખ નથી, તો એ કોમન નાઉનમાં આવશે। નેક્સ્ટ, ધ કમિટી મેટ એટ નૂન, સમિતિ છે એ રાત બપોરે મળેલી હતી, મેટ છે એ પાસ્ટ ટેન્સ છે। વોટ ટાઈપ નાઉન ઇઝ કમિટી? તો કમિટીનો કેમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે, પ્રોપર નાઉન, કલેક્ટિવ નાઉન કે કોમન નાઉન? તો આપણે હમણાં જ શીખ્યા કે કમિટી છે એ આખા ગ્રુપનો નિર્દેશ કરે છે, તો ગ્રુપ માટેનું છે કલેક્ટિવ નાઉન, તો એનો સાચો જવાબ છે કલેક્ટિવ નાઉન। તો આ રીતે નાઉનના સાત પ્રકારો આપણે ભણ્યા, સાતે પ્રકારની વ્યવસ્થિત આપણે સમજૂતી પણ મેળવી। ફરીવાર એકવાર યાદ અપાવી દઉં, પ્રોપર નાઉન, કોમન નાઉન, કોન્ક્રીટ નાઉન, એબસ્ટ્રેક્ટ નાઉન, કલેક્ટિવ નાઉન, કમ્પાઉન્ડ નાઉન એન્ડ પઝેસિવ નાઉન। થેન્ક યુ।